Hello everyone, and a very warm welcome to Siksha. So, guys, this is Agriculture Current Affairs part number 24. Very, very, very important if you are uh, giving your IBPS AFO exam. उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ट्वेंटी ट्वेंटी है क्योंकि एग्रीकल्चर के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें आपको बहुत सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी मिलती है जो डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है एंड वी ऑल्सो है टू थाउजेंड प्लस नॉन विडियो एमसीक्यू कोर्स फॉर एग्रीकल्चर जिसके अंदर आपको एग्रीकल्चर के बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं सो डू ट्राई देम उसका एक फ्री सैम्पल टेस्ट भी अवेलेबल है लिंक में डिस्क्रिप्शन है फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है थ्री uh, हंड्रेड के अराउंड कोर्स कॉस्ट करता आपको ये 300 की है एंड अल्टीमेट एन एसओ ने और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिकली ये रिपोर्ट जो है दो बारह से 2019-20 का एक डाटा का बेसिकली रिपोर्ट था जो एनएसओ ने अभी रिसेंटली अक्टूबर 2022 में रिलीज किया था ठीक है तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 2011-12 से लेकर के 2019-20 के बीच में सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडिशन कौन सी स्टेट ने किया है एग्रीकल्चर एंड ए एक्टिविटी में ये क्वेश्चन है क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है आधी लड़ाई तो हम तभी जीत जाते हैं जब हम अपने को क्वेश्चन समझ में आ जाए ठीक है तो यहाँ पर आप अपना क्या करेक्ट आंसर होगा कौन सी स्टेट ने टॉप किया है अगर रिपोर्ट पड़ी हुई है तभी आंसर कर सकते हो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ने जो है टॉप किया है ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर ओके okay? सो so, अगर आप यहाँ पर डेटा देखते हो तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो इंक्रीज देखने को मिला है वो 48.1 परसेंट का था थोड़ा सा याद रख सकते हो क्योंकि टॉप स्टेट है ठीक है सो ग्रॉस वैल्यू एडिशन 2019-20 के अंदर uh, 80,710.41 करोड़ था एज कम्पेयर टू 54,555.89 करोड़ 2011 2011-12 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी का ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है कोई नहीं पूछने वाला ये परसेंटेज थोड़ा सा याद कर सकते हो तो कर लेना और टॉप स्टेट का नाम याद रख लेना ठीक है जी फिशिंग एंड एक्वाकल्चर की बात करें तो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर के अंदर भी आंध्र प्रदेश ने काफी अच्छा परफॉर्म किया 300 परसेंट का इंक्रीज देखने को मिलता है 11 12 से 19 20 में टॉप स्टेट्स की बात करें एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर तेलंगाना चौथे पर छत्तीसगढ़ पांचवें पर तमिलनाडु है जो टॉप फाइव स्टेट्स आती है ग्रॉस वैल्यू आउटपुट के अंदर सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं सेम रिपोर्ट से ही उठाया गया यह क्वेश्चन है डैश वॉज द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग द हाइएस्ट दैट इज फिफ्टी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट ग्रोथ विथ ओनली क्रॉप्स ठीक है अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा उसमें था एग्रीकल्चर एंड एलाइड एलाइड में सब कुछ आ जाता है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री वगैरह आ गया ना इसके अंदर अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम सिर्फ क्रॉप्स देखें अब क्रॉप्स में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी हो सकती है या कॉमर्शियल क्रॉप्स भी हो सकती है तो क्रॉप्स के अंदर सबसे ज्यादा किस ग्रोथ देखने को मिली है फिफ्टी की ग्रोथ तो वो कौन सी स्टेट है अगेन ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है तुक्केबाजी मत करें ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको यही एडवाइस करूंगा अगर आपका एग्जाम नेगेटिव मार्किंग वाला है तो आता है तो करो नहीं आता तो तुक्का मत लगाओ कोई फायदा होने वाला है नहीं तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी मध्य प्रदेश तो अगर आप देखते हो टोटल इसीलिए तो कंफ्यूजन होती है ना पेपर के अंदर क्योंकि एक ही चीज से रिलेटेड मिलती जुलती चीजें हैं बस थोड़ा फर्क होता है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उन फर्क उस फर्क को इग्नोर कर देते हैं वही एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है पहला क्वेश्चन था एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में सबसे ज्यादा ग्रोथ दूसरा क्वेश्चन है कि सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ तो मध्य प्रदेश आ जाएगा फिफ्टी सिक्स परसेंट की तो डिफरेंस है वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ इंडिया में टोटल ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर क्लाइम बाइ डैश फ्रॉम डैश इन फ्रॉम नाइनटीन लैक एट थाउजेंड एटी सेवन पॉइंट फाइव थ्री इन टू थाउजेंड इलेवन टू ट्वेंटी फोर था लैक नाइन टू थाउजेंड जीरो पर बेसिकली पूरे इंडिया का पूछ रहा है कि पूरे इंडिया का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ तो वैसे तो यहाँ पर देखो नंबर गिवन है अगर किसी को नहीं भी आता ना तो थोड़ा सा दो मिनट का टाइम लगा करके अगर आपके पास स्पेयर टाइम बचता है तो आप परसेंटेज तो इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हो ना कि भैया कितना इंक्रीज हुआ है उसको डिवाइड कर दोगे दोस लाख आठ हजार से आपके पास आ जाएगा ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन में इस तरह से आपको डाटा दे ठीक है क्वेश्चन में वो सीधा सीधा पूछ सकता है कि ग्रॉस वैल्यू आउटपुट 2011-12 से लेकर के 2019-20 तक कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है एनएसओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 30.6 पॉइंट सिक्स परसेंट तीस पॉइंट छ परसेंट का इंक्रीज देखने को मिलता है फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं अब अगेन सेम रिपोर्ट इस रिपोर्ट में से जितने प्रॉबेबल क्वेश्चन बन सकते थे ना मैंने सारे बना दिए हैं एज पर एनएसओ डाटा कौन सी स्टेट का जो पेडी का वैल्यू है वो डबल हो गया पिछले नौ सालों में पेडी का वैल्यू ठीक है ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में सबसे ज्यादा पेडी में डबलिंग कौन सी स्टेट के अंदर हुई है यहां पर आपके ऑप्शन है एमपी तेलंगाना उड़ीसा उत्तर प्रदेश नन ऑफ नब बहुत सारे बच्चे तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इसमें पंजाब और हरियाणा ऑप्शन के अंदर होगा ठीक है तो आंसर यहां पर अगेन आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश हो जाता है पेडी की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ पेडी डबल हो चुकी है एंड तेलंगाना और उड़ीसा में भी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला फोर्टी परसेंट से ज्यादा लेकिन मध्य प्रदेश में डबल हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ अब अभी तक हम देख रहे थे इंक्रीज की बात अब यहां पर आपसे पूछ रहा है यार ये जो नौ साल का पीरियड है 2011-12 से 19-20 का इस पीरियड में किसी स्टेट की क्या ग्रॉस वैल्यू आउटपुट डिक्लाइन भी हुई है कम हो गई आउटपुट 2011-12 के मुकाबले 19-20 में आउटपुट कम हो गई तो ऐसी कोई स्टेट है क्या ऑप्शन है ए केरला बी दिल्ली सी दादरा एंड नगर हवेली डी ऑल ऑफ इट और स्टडीड रिपोर्ट तभी आंसर हो सकता है यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब इन तीनों के अंदर केरला दिल्ली और दादराय नगर हवेली तीनों के अंदर जो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट है 2011-12 के मुकाबले 2019-20 तक आते आते डिक्लाइन हुआ है सिक्स क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ ग्लोबल हंगर इंडेक्स सब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये एग्रीकल्चर का पार्ट थोड़ी है बिल्कुल एग्रीकल्चर का पार्ट है जहां पर भी हंगर रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स में कवर होगा तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का क्या रैंक है Yeah. ए नाइनटी नाइन हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड एंड इलेवन रन ऑफ दर्टेंट है उल्टा इसको वेरी इंपॉर्ट करके मार्क कर लीजिएगा जो बच्चे आईबीपीएस का, का एग्जाम देने जा रहे हैं करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी हंड्रेड एंड सेवन तो ये फिफ्टींथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट थी जो दो अक्टूबर मंथ में रिलीज हुई थी इंडिया का रैंक और ज्यादा डिक्लाइन हो गया है ठीक है हम छे रैंक और नीचे आ गए हैं एक सौ रैंक पे आ गए एक 121 कंट्रीज में से और हमारा जो स्कोर था वो ट्वेंटी का है ठीक है और हमारे यहां पर जो लेवल ऑफ हंगर है उसको सीरियस कैटेगरी के अंदर इस रिपोर्ट में डाला गया है तो क्या क्या याद रखना है पंद्रहवीं रिपोर्ट थी ठीक है जी रैंक हमारा हंड्रेड एंड सेवन है पिछली बार से हमारा छह रैंक नीचे आ गया है 121 कंट्रीज का टोटल है हमारा स्कोर 29.1 है ये सब कुछ याद रखना है पैरामीटर्स वगैरह मैं एग्रीकल्चर के बच्चों को नहीं करा रहा हूं ठीक है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है थ क्वेश्चन इन मंथ ऑफ अक्टूबर नबार्ड सेंशन लोन ऑफ टू ट्वेंटी टू करोड़ फ्रॉम आर आई डी एफ फॉर रूरल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट ऑफ नबार्ड ने दो सौ बाईस करोड़ का लोन बेसिकली जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता ना उसमें से सेंशन किया अक्टूबर मंथ के अंदर तो ये कौन सी स्टेट के लिए बेसिकली लोन दिया है नबार्ड ने आर आई डी एफ से ये है यहां पर आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी पंजाब एट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ तो एथ क्वेश्चन क्या कहता है कि यार अभी ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ना दो कमिटीज बनाई है ठीक है दो कमिटीज बनाई है एक कमिटी है कमिटी फॉर नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन और दूसरी कमिटी है कमिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ वेदर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक तो वेदर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक क्रॉप यील्ड के लिए दो कमिटियां बनी है इन दोनों कमिटीज को हेड कौन करेगा ठीक है अक्टूबर मंथ के अंदर यह न्यूज में था तो ये दो कमिटीज फॉर्म की गई हैं एक क्रॉप यील्ड येस्टिमेशन के लिए और एक वेदर डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए ऑप्शंस हैं डॉक्टर सी एस मूर्ति के एस शर्मा कृष्णा अग्रवाल सतीश कौशिक नन ऑफ दी सो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन ए डॉक्टर सी एस मूर्ति ठीक है जी डॉक्टर सी एस मूर्ति जो है ये कौन है ये डायरेक्टर है महल नॉबिस नेशनल क्रॉप फॉरकास्ट सेंटर के इनको बेसिकली इन दो कमिटीज का चेयरमैन बनाया गया नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ विच एग्रीकल्चरल क्रॉप इज द विनर ऑफ मोस्ट पॉपुलर जी आई इन इंडिया इन द ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो मोस्ट पॉपुलर जी आई के अवार्ड जो है वो दिए गए तो इनमें से कौन सी क्रॉप है एग्रीकल्चरल क्रॉप है जिसको ये मोस्ट पॉपुलर जी आई का अवार्ड मिला है दो हजार बाईस ए कंधमल हल्दी बी ऑल्फॉन्सो सी बासमती राइस डी कड़कनाथ इन ऑफ दब अगर आप कोई एग्रीकल्चर का सीरियस स्टूडेंट है वो सबसे पहले तो डी को काटेगा क्योंकि डी कड़कनाथ जो है ये क्या है एक वैरायटी ऑफ चिकन है है ना वैरायटी ऑफ पोल्ट्री है तो कड़कनाथ तो हो ही नहीं सकता है ना तो आंसर यहाँ पर आपका क्या है आंसर है आपका ऑप्शन ए कंधमल हल्दी जो है इसको जी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है तो ये जो जी ऑफ द ईयर है ना ये पांच कैटेगरीज में दिया जाता है एग्रीकल्चर फूड स्टफ हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड और नेचुरल ठीक है जी तो एग्रीकल्चर में तो हमने देख लिया कंडमल हल्दी जो ओडिसा का है हैंडीक्राफ्ट में थंजावुर आर्ट प्लेट तमिलनाडु ये एएफओ में तो ये नहीं पूछने वाला है मैन्युफैक्चर्ड में मैसूर सैंडल सोप कर्नाटका याद रख लेना नेचुरल में चुनार बलुआ पत्थर यूपी ये भी आईएएफओ में नहीं पूछेगा फूड में हैदराबादी हलीम ठीक है ये भी याद आप कर लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए इस लेक्चर के वर्ल्ड कॉटन कॉटन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगेन डेज डेज एग्रीकल्चर स्पेसिफिक आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए तो वर्ल्ड कॉटन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है जी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर सेवेंथ अक्टूबर को ठीक है सेवेंथ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में एंड ये फोर्थ वर्ल्ड कॉटन डे था जो दो के अंदर हमने सेलिब्रेट किया है एंड इस बार का जो थीम था वर्ल्ड कॉटन डे का दैट वाज वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो थीम के ऊपर पूछ लेता है तो याद कर लीजिएगा इसके साथ हम लेक्चर के एंड पर आ चुके हैं प्लीज प्लीज अगर कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैट ग्रुप में पूछ सकते हैं मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर कमेंट करके भी आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें That is very important. Okay. So, we'll see you in the next class. Till then, take care and bye.